तो दोस्तों मात्र ये 51,000 रुपया है, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती इंसान के लिए, लेकिन हो सकता है दोस्तों इस छोटे से परिवार के लिए थोड़ा सा गुजर बसर तो हो ही सकता है। ये आप माता जी, तो दोस्तों मैं ये चाहता हूँ सांपों को बचाने का मैं भी काम करता हूँ दोस्तों, मैं भी फ्री आपका सेवा देता हूँ दूर दूर तक जा करके। तो मेरे पास भी माँ है और मेरे पास भी बहन है, ये तो मुझे पता है अच्छी तरीके से, लेकिन दोस्तों जो अपना होता है उसे पता चलता है। मैं इतनी दूर से यहाँ पर चल के आया। तो दोस्तों आप वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अगर दिल करे तो सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों आप हर प्लेटफार्म पर डालिए और थोड़ी सी जागरूकता फैलाइए कि सांपों से थोड़ा बचा जाए और उसे कैसे सेफ किया जाए। दोस्तों जब भी कोई ख़तरनाक सांप काटता है तो आप सीधा हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पर स्नेक एंटीवेनम इंजेक्शन रहता है, वही इंजेक्ट होता है शरीर में, तब जाकर के हमारे आपके प्राण बचते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों से अपील ये करना चाहता हूँ दोस्तों, मुरली वाले हौसला यूट्यूब चैनल के साथ साथ दोस्तों मुरली वाले हौसला फाउंडेशन चलता है और ये परिवार दोस्तों बेहद गरीब है, तो उसी के साथ साथ मैं ये चाहता हूँ दोस्तों इस हमारी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कीजिए, जिससे ऐसी तरीके से मैं गरीब परिवारों की हेल्प करता रहूँ। बड़ा दर्द होता है दोस्तों, एक छोटी सी ज़िंदगी है 4 दिन की और पता नहीं कब ज़िंदगी की आखिरी शाम आ जाए और आप लोगों से अलविदा कहना पड़े। तो मैं चाहता हूं दोस्तों ज़रूर आप लोग इनकी मदद करने के लिए एक एक कदम को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों मुझे पता है बहुत से सारे लोग वीडियो को बनाते हैं, यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं, उसी के साथ साथ दोस्तों एक ये भी निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। लेकिन दोस्तों जैसे सांपों को बचाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन जिस दिन सांप काट लेता है तो दोस्तों उस समय कौन अपना है उसी दिन पता चलता है। एक शख्स एक दूसरे के लिए होकर के दूर दूर तक जाता था और आज घर में 2-3 बहनें हैं और एक भाई भी है छोटा। घर की स्थिति दोस्तों अच्छी तरीके से है नहीं, कहना कुछ नहीं है। अब दोस्तों ये माँ है, अब आप समझ सकते हैं, मेरे पास भी माँ है और कल जब मैं नहीं रहूँगा इस दुनिया में तो जो भी कुछ है आप लोगों की मोहब्बत काम आएगी। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ इनकी मदद के लिए दोस्तों हमारी टीम को कंट्रीब्यूट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों इस वीडियो को आप किसी भी प्लेटफार्म पर डाल सकते हैं, कोई कॉपीराइट आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों मनमोहन कहीं भी सुनते थे सांप निकला है तो अपना भोजन अपना चैन नींद अपने माँ परिवार को घर परिवार को छोड़ करके वहाँ दौड़ करके जाते हैं, उसी तरीके से मैं भी दौड़ता हूँ। लेकिन दोस्तों आज तो वो नहीं है, अब दौड़ेगा कौन? तो मैं ये चाहता हूँ जैसे वो दौड़ते थे वैसे आप भी एक कदम बढ़ाएंगे तो आज ये परिवार थोड़ा सा मजबूत होगा, रहन सहन इनके अच्छे हो जाएंगे। एक माँ है दोस्तों, उस शख्स के पास दोस्तों न तो माँ के पास इन बच्चों के पास पिताजी हैं और न तो बड़ा भाई है कोई कमाने वाला। तो इस वीडियो को लेकर के बहुत सारा कमेंट आया हमारे व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर दोस्तों कमेंट आया, सर इस वीडियो पर आप एक वीडियो बनाइए, ये कैसे क्या हुआ, एक वीडियो बनाइए एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों मेरा भी दिल है और सुनने के बाद दोस्तों वीडियो न बना करके मैं सीधा घर पर आ गया और माता जी के साथ जो भी कुछ था मैंने मैनेज किया। चलते दोस्तों अब यहाँ से मैं इस सरजमी को धीरे से छोड़ करके कहीं आगे चलता हूँ, लेकिन उससे पहले माताजी के चरणों से और इस बहने को चरणों से मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ। चलिए माताजी आशीर्वाद दीजिए हमको। ठीक 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 दोस्तों जैसा कि मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ चलते चलते कि सांप के काटने से पहले इस वीडियो को वायरल करके दूर दूर तक भेज करके एक चीज़ आप ये चेक कीजिए कि सांप अगर काटता है तो एंटी वेनम अवेलेबल कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर अवेलेबल है या फिर ब्लॉक स्तर पर। दोस्तों जब इनको यहाँ पर सांप काटा तो ये जब हॉस्पिटल पे गए तो वहाँ शायद एंटी वेनम अवेलेबल नहीं था जिससे उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ की सरकार से मैं एक अपील करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कि एंटी वेनम जो है स्नेक एंटी वेनम वो ब्लॉक स्तरीय तक होना चाहिए जिससे दोस्तों इस समस्या से निजात मिले। दोस्तों आए दिन चारों तरफ बारिश हो रही, बारिश के महीने में सांपों का निकलना लाजमी है क्योंकि जब दोस्तों हर जगह बिल होल में पानी जाता है तो सांप वहाँ से निकल करके ऊंचे स्थान पे हमारे आपके घरों में प्रवेश करते हैं और ऐसे में ये हादसा ज़्यादा से ज़्यादा देखने को हमें आपको मिलता है। दोस्तों सांप के काटने से पहले ही आप पता कर लीजिए कि एंटी वेनम है कहाँ पर। कभी दोस्तों गलती से दुर्घटना होती है उसमें हमारा दिमाग होपलेस हो जाता है, बेचैनियाँ सी बढ़ जाती हैं, लोग जागरूक नहीं रहते हैं तो यहाँ वहाँ भागने के चक्कर में थोड़ा बहुत जड़ी बूटी के चक्कर में लेट पास होता है तो जिससे दोस्तों मौत हमारे करीब आ जाती है। दोस्तों किसी विद्वान ने कहा है कि जब भी विषम परिस्थितियां आती हैं एक बार मौत भी अगर आपके सामने आ गई और अगर आपके पास हौसला है धैर्य है सहनशील है तो मौत आपके बगल से गुजर जाएगी। लेकिन दोस्तों हम ये चाहते हैं कहीं भी ओवर कॉन्फिडेंस ना होने पाए, वो चाहे मुझसे वो चाहे मेरे किसी अपने से ही। थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों मैं यहाँ से चलता हूँ लेकिन चलते चलते मैं माता जी से, हाँ आप हमसे राखी बनवाए जिंदगी बरसात देंगे? एकदम बिल्कुल, काहे नहीं देंगे। तो
जब मर्जी कहे माता जी से, मैंने कहा आप फ़ोन कीजिएगा, कोई दिक्कत आती है जैसी भी दिक्कत हो हमको एक बार फ़ोन कीजिएगा, ठीक है? ठीक ठीक है ना सर, आप तो पढ़े लिखे हैं। तो दोस्तों अभी ने बहना ने कहा कि क्या आप मेरा ज़िंदगी भर साथ दोगे? दोस्तों जब तक ज़िंदगी रही तभी तक तो साथ है, और तब तक मैं देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना? ठीक, चलिए सर।